हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी बालेश्वर। मु श्रीपदी सर, मोर केमिस्ट्री टीचर। एंड टुडे वी विल डिस्कस द जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। एंड द जनरल फिजिकल केमिस्ट्री कहले आम कौन बुझू ना, केमिस्ट्री तो आम पढ़ू ता विषय जेनेल मीन जेनेल टर्म्स आम जो सब यूज करुच्छ डेली डेली लाइफ रे। अल्सो आम जो केमिस्ट्री यूज कर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आर मेजरमेंट्स कन्वर्सेशन दिजन को भीतर केमिति कौन रिलेशन अच्छे से सब को आम केमिति जानवू दैट कौन थे जाए ना जेनेल फिजिकल केमिस्ट्री जाए। तो जेनेल टर्म को आम से यूज कर फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़ू आम बहुत सारा जिन कहू आगामी दिन में बहुत सारा जिन आसो भी तुम मानकर कितु तापूर्व बेसिक जिन जो तुम स्कूलिंग लाइफ रू पढ़ी तुम जो बहुत जूनियर क्लासेस पढ़ी से सब विषय में भी टीके नलेज थी दरकार। कौन पाई ना या जो एप्लीकेशन पार्ट में आने किसी कैलकुलेशन में आने से जगह आमको यह सब बहुत हेल्प हो। तो आस देखा स्टार्टिंग जनरल फिजिकल केमिस्ट्री फास्ट आम पढ़ा यूनिट्स। तो यूनिट्स कहे फास्ट कौन बुझे फास्ट कथा कि यूनिट्स कहे कौन बुझे देख यूनिट्स कहे तुम जो कौन कर सपोज बजार जाऊ सपोज कौन बजार जाऊ किसी जिनस आने तो से जगह तुम जा गोटे दुकान को सपोज जा घर तुम घर तुम मामा कहले पठेले कि जाकि कौन ना चीनी नहीं कि आसिया पाई। तो चीनी नहीं कि आसिया पाई कहले मीन तुम तुम फास्ट पचार कि मामा केते चीनी आने मीन कौन ना तुम जो से जगह से मेनसन न करेंगे तुम जा दुकान कि कह कि भाईना मत कौन ना मत चीनी दिं पांच चीनी दिं और 250 चीनी दिं 250 चीनी मीन कौन सी पचारे 250 कौन व्हाट डू यू मीन बाय दिस 250 एंड 250 किसी मीनिंग किसी ना जदि आम किसी यूनिट न लगे आइदर कि 250 ग्राम 250 केजी 250 क्विंटल 250 टन एटसेट्रा एटसेट्रा डिफरेंट डिफरेंट टाइप रही पार। तो यूनिट्स गोटे बहुत बड़ वाइटल रोल प्ले करे आम डेली लाइफ रे यूज पाए। तो जिते बड़े आम सपोज गोटे लेंथ को मेजर करुच्छ लेंथ पाई भी यूनिट यूज करना मीटर यूज कर सेंटीमीटर को यूज कर सब यूज कर बट जदि मुझे लेंथ को मेजर कली रूम रूम को रूम लेंथ को मेजर कली रूम लेंथ को मेजर करके कौन कहली ना द लेंथ ऑफ दिस रूम इज 8 एंड व्हाट दैट मीन 8 मींस कौन 8 मींस कहले आम किसी सेपरेटली आम बुझीपरि 8 कौन सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कौन आम 8 फिट आम किसी बुझीपरू ना। तो गोटे यूनिट गोटे जोटा कि फंडामेंटल जिन जो यूज हो डेली लाइफ एंड विदाउट दिस यूनिट आम कौन गोटे जिन कौन कर एक्सप्लेन करूजिंगउट यूजिंग एनी एनी काइंड ऑफ दि यूनिट। सो यूनिट इज ए वाइटल रोल और यूनिट प्लेज द वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। सो दिज आर द यूनिट्स एंड कौन कौन यूनिट्स अच्छे से यूनिट्स विषय में आम जाना बेसिकली। तो यूनिट्स कहे दे आर सेवेनली और देयर आर मेनली सेवन फंडामेंटल यूनिट्स। कौन देयर आर मेनली सेवन फंडामेंटल यूनिट्स देयर आर मेनली सेवन फंडामेंटल यूनिट्स। तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन आवर और यूज इन आवर डेली लाइफ। कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स आज देखा। सो फास्ट वन जी मुझे कह फास्ट वन है लेंथ। कौन लेंथ लेंथ पाई यूनिट आम यूज करू नॉर्मली मीटर यूज करू और सेंटीमीटर यूज करू तुम यूज भी कर फिट भी यूज कर नैनोमीटर सेंटीमीटर पिकोमीटर तुम यह सब टर्म भी शिखीद। तो यह सब टर्म कौन आस मुझे तुमको कहे। तो ये मीटर जो कहली मीटर टा कहली दिस इज स्मॉल मीटर दिस इज एम फॉर मीटर दिस इज मीटर नॉट द कैपिटल मीटर ये है मोलारिटी। कौन ना मोलारिटी तो ये नुह एटा नुह कैपिटल एम के लिखो ना कौन लिख स्मॉल एम लिख स्मॉल एम लिख कैपिटल एम लिख ना यूनिट मींस एंड मीटर स्मॉल एम एंड सेकंड आइटम में लिखिबा कौन ना मास पाई कौन मास गोटे सब्सटेंस के केते अमाउंट गोटे प्रेजेंट अच्छे दैट इज डिफाइंड बाय दिस मास और दिस इज एक्सप्लेन बाय दिस मास एंड सिंपली मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट बाय ए बॉडी गोटे सब्सटेंस के गोटे बॉडी रे और गोटे ऑब्जेक्ट रे केते सब्सटेंस प्रेजेंट अच्छे कंटेंट अच्छे दैट इज द मास एंड एटा को हम कौन टर्म रे यूज करू और यूनिट रे यूज करू दैट इज केजी और ग्राम रे हम यूज करू कौन रे केजी मींस दिस इज किलोग्राम केजी मींस दिस इज किलोग्राम किलोग्राम आ से किलो रो जो मत एटा जो किलो लिखि से एटा मु कहि बिटि जे बोले आ को पासिबो ना ए जो थर्ड रे से बजासिबो हमर को ना टेंपरेचर कौन ना टेंपरेचर टेंपरेचर पई हम यूनिट यूज करू कौन केल्विन कहबो कि सर टेंपरेचर आ पई
डिग्री सेंटीग्रेड भी तो यूज करिपरिबा टेंपरेचर पे हम फारेनहाइट भी सुनजु सर फारेनहाइट भी यूज करिपरिबा हां यूज करिपरिबा बट जो केल्विन स्केल था से केल्विन स्केल को मैं वैल्यू जाने दिबो यार वैल्यू केल्विन स्केल को वैल्यू लिखा जाए 273.15 केल्विन रु 373.15 केल्विन लिखा जाए तो ये जो 0.15 लिखा जाए ये कौन करेगा मोर एग्जैक्टनेस मोर एग्जैक्टनेस और मोर एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सप्लेन करे और बुझाए सेति पाए कौन होए ना ये वैल्यूटा जेहेतु पॉइंट परे 2 डेसिमल पॉइंट पर्यंत कौन करौछि ना एक्सप्लेन करौछि मोर एग्जैक्टनेस आ को जाउछि सेति पाए एक केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाए एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाए ता सहित कौन करे जाए ना एटा को यूज करा जाए हमर मेनली कंक्लूजन ने केमिस्ट्री दे कौन भाई ना बहुत सारा रिएक्शंस अछि जो रिएक्शंस रे 0.05 रे मींस यदि हमें चेंज करबा 0.05 0.005 के और 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड के में चेंज करेगा तब रिएक्शंस बहुत किछ चेंजेस हो जइबो तो सही पे कौन हो जे ना पॉइंट पर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट मींस इट इज मोर एग्जैक्टनेस इट इज मोर एब्सोल्यूट इट इज मोर प्रीसाइज वैल्यू सो दैट मींस एज पे कौन यूज करा जे ना केल्विन स्केल को यूज करा हो से रेदर देन द डिग्री सेंटीग्रेड और द फारेनहाइट स्केल्स क्लियर सो नाउ द थर्ड वन जोटा कि 4 नंबर फंडामेंटल यूनिट्स आछि से 4 नंबर फंडामेंटल यूनिट्स कोन आछि ना आमे यूज करिया पाइ कोन ना टाइम कोन लेखलु टाइम और टाइम को तुमे कोन लेखो ना सेकंड रे यूज करो और सेकंड पाइ यूनिट यूज करो एस नॉट एसईसी एसईसी नो एसईसी नो या को यूज करा जाय नै एस सेकंड पाइ एस यूज करा जाय एसईसी लेखि छारे बोले यूनिट वाला फंडामेंटल यूनिट वाला एस एंड बहुत जगह जो केजी मुझे मास जो ग्राम कोई बहुत गिला छु जो माने की ग्राम ता को जीएम कर के लिखो दी एंड जीएम नॉट द जीएम द एग्जैक्ट फॉर्म इज दिस इज जी ग्राम डाला ग्राम ला जी नॉट द जीएम नॉट द जीएम ग्राम डाला जी सो लाइक वाइज जोटा की 5 नंबर पॉइंट आ देखिबा कोन ना 5 नंबर पॉइंट आ देखिबा तले सपोज या को नहीं बोलि मोला ये जो 7 ले 5 नंबर पॉइंट छ दिस इज अ लुमिनस इंटेंसिटी कोन अछि luminous intensity and this luminous intensity eta ku measure kara jae kontre candela kon candela au eta ku represent kara jae jo unit re that is cd taku cd re lekha jae cd for candela now 6th point kon na 6th point 6th point ra ame kon use kari paribu 6th point jo fundamental units achi se fundamental units re achi kon achi na amount of substance कौन अछि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस गोटे मेटर में केते अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट अछि गोटे सब्सटेंस जोटा को रिप्रेजेंट करे जाय इन टर्म्स ऑफ मोल कौन ना इन टर्म्स ऑफ मोल ए मोल रे यूज करा जाय तो ये है 6 नंबर एंड 7 नंबर फंडामेंटल जो यूनिट अछि 7 नंबर पॉइंट है कौन ना 7 नंबर पॉइंट हला करंट कौन से का नंबर पॉइंट था का नंबर पॉइंट आला करंट एंड ए करंट को रिप्रेजेंट करिया के जो हमर यूज भी दैट इज द एम्पियर कौन यूज है एम्पियर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए बोली लिखा है तो मैं ताको कौन करिबनी ताको ए एम पी करके लिखिबनी एदि पिला लिखि दियंती एम्पियर रु ए एम पी करके लिखि दियंती एटा एम पी नो है दिस इज ओनली ए ओके सो ये हला सब सातटा फंडामेंटल यूनिट्स जोडा कि हमर डेली लाइफ में यूज होची एंड ए सातटा यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हमें कौन कर पाइबा ना हमें दुनिया में जति भी जिंस अछि एवरीथिंग को हमें मेजर कर पाइबा बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर लेंथ मास टेंपरेचर टाइम लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट विदाउट दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स देयर आर नथिंग एल्स व्हिच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू मेजर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओके सो नाउ जो सातटा पन्ना यूनिट्स को ये सातटा यूनिट्स रो समानन को हम देखिबा कि समानन को जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स केमिति कोन हम यूज करछु दैट मींस सपोज मु कहिली जे सपोज गोटे बडा यूनिट अछि माने कोन अछि ना सपोज मु लेंथ कहिली लेंथ ला मीटर रे कहिली ना मो पाखरे गोटे मीटर नै मो पाखरे 100 मीटर अछि मो पाखरे 10 मीटर अछि मो पाखरे कोन अछि ना 10 मीटर रो गोटे 10 मीटर रो सॉरी गोटे मीटर रो गोटे भाग अछि तो भाग को हमें केमिति कोन मेजर करबा से मेजर सब को हमें जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स रे यूज करबा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स रे यूज करबा ताको को आ जाय यूनिट्स कन्वर्जन त को आ जाय यूनिट्स कन्वर्जन त आसे देखबा हमें यूनिट कन्वर्जन ऑफ दिस
सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स कौन सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स रो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्जन हमें देखिबा तो स्टार्ट करबा हमें यूनिट कन्वर्जन रो ता पूर्व हमें के देखि दो आउट छोटो पॉइंट कौन अछि ना तमे जानि दिबो ए जो यूनिट कन्वर्जन करू बट प्रीफिक्स यूज रे कौन यूज रे ना प्रीफिक्स प्री मींस बिफोर द टर्म प्री मींस बिफोर द टर्म अब जो टर्म रो प्रीवियसली यूज सपोज हमें यूनिट यूज करछो मीट टर्म तो ता पूर्व रो गोटे टर्म यूज करा जाए जोटा को कहा जाए प्रीफिक्स सिमिलरली सपोज करंट यूज करछो करंट रो हमें टर्म होचे करंट रो हमें कोन करछो यूनिट लेखु छे एम्पियर से ई करंट रो यूनिट पूर्व रो हमें टर्म यूज कर जोंदा को जाए प्रीफिक्स आ से प्रीफिक्स ता कोन देखि जो आबो ना हमें जोटा कि आगु हमें बहुत लॉयर क्लास रो हमें पढ़िचू स्कूलिंग लेवल रो हमें पढ़ि आछू तो फर्स्ट कोन अछि ना 10 टू द पावर माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 1 रिप्रेजेंटेड एज डेसिम व्हाट डेसिम 10 टू द पावर माइनस 2 इट इज रिप्रेजेंटेड एज सेंटी 10 टू द पावर माइनस 3 इट इज रिप्रेजेंटेड एज मिली 10 टू द पावर माइनस 6 इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो 10 टू द पावर माइनस 12 पिको 10 to the power minus 15 it is represented as femto ye number sab manne kon kebe ke sath ame kahe sare sab padhibo amar darkar kon suppose maninio ki tum bagare gote meter length ro gote suppose kichi gote wire te achi gote maninio ki gote wire te achi kon na gote meter tar 10 bhagoru kon achi na gote bhago tumku darkar achi 10 bhagoru tumku gote bhago darkar achi दैट मींस कोन मते एतिकी दरकार छै टू 10 1 / 10% मते दरकार छै ते जो 1 / 10 ता को पा जाय कोन ना गोटे मीटर को 10 गोटे मीटर को 10 भागरु 10 भागरु गोटे मीटर दरकार सेटा को पा जाय कोन ना डेसिमीटर कोन सेटा को जाय डेसिमीटर आ जो लिखा जाय डीएम को कोन डेसिमीटर जो लिखा जाय डीएम आ सेटा को लिखि छु 10 टू द पावर माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 1 दैट मींस कोन दैट इज इक्वल टू 1/10 that is equal to 1/10 of meter and that is represented as decimeter similarly is what we use for suppose current kotha nebi tale current ta suppose gote ampere kono 1 ampere ro 10 bhagu ro out of 10 parts it is 1 part that means set up kono je deci ampere da deci ampere so likewise is the jump of prefix as well is also used hoche for seven fundamental units या छोड़ा तो वो जो कोई 100 मीटर अछि 100 मीटर अछि तो ताको हमें केमते रिप्रेजेंट करिवु ताको हमें रिप्रेजेंट करिवु 10 रो पावर 1 थिवो ताको हमें कहू डेका कोन कहू डेका मींस 10 मीटर अछि ताको हमें कहि पाजिबो सिंपली डेका मीटर सपोज अछि कोन मो पाखरे 10 टू द 2 10 टू द 2 मींस हेक्टो दैट इज हेक्टो मींस 100 मीटर जदि मो पाखरे अछि से 100 मीटर को मु कोन कहिबि ना हेक्टो मीटर कहि परबि जदि 10 टू द 3 अछि ताय कौन कर देखो मैं लिखी भी किलो किलो मींस जो दी 10 बार 3 मींस 1000 मीटर अछि मो पाखरे से 1000 मीटर रो लेंथ को मु कोन कहिबी ना दिस इज किलोमीटर मींस ये सब प्रीफिक्स रहइबो ये सब कोन रहइबो ना ता पूर्व रहइबो मीटर रो पूर्व यूज होछि से प्रीफिक्स को आउछि एंड जेहेतु 10 बार 3 अछि से पेका को हम लोग छु किलोमीटर एंड लाइक वाइज आउरी अछि 10 बार 6 10 बार 9 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एंड टर्म रे अछि तो किलो पर एठी आसीबो मेगा ता पर आसीबो जीगा तो एंटी ता पर आसीबो टेरा पेटा एंटी करके आसीबो जो ये अछि इंदि लाइन में सब आसीबो तो नाउ जो हमें सब ये सब पढ़ी लो प्रीफिक्स पढ़ी लो प्रीफिक्स पढ़ला पर हमें कोन करबो ना किछि यूनिट कन्वर्जन्स देखिबो सब सेवन फंडामेंटल यूनिट्स रो यूनिट कन्वर्जन्स देखिबो एटा को राइट डाउन करो एटा लेखि लियो कॉपी रे ता हमरा कोन करबा ना यूनिट कन्वर्जन्स हमें देखि हमें बैठ के देखि दबा यूनिट कन्वर्जन जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ले से माने पर यूनिट कन्वर्जन देखिबा तो फर्स्ट आसे देखिबा कि यूनिट कन्वर्जन रे कोन होछ काहा पय हमें लिखिबा कोन होछ यूनिट कन्वर्जन्स तो फर्स्ट वन में कोइली कहा रो ना लेंथ रो कहा रो ता कोइली मु लेंथ लेंथ ला कहा पय यूज हुए ना इट इज यूज फॉर द डिस्टेंस कहा पय ना डिस्टेंस पय यूज हुए आ मैं यूनिट कोन कोइली मु कोइली मीटर हला तारो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हला तारो मीटर जोडा को हमें ए रे लिखु आ
आ सीजीएस यूनिट जोंडा को कहा जाए कौन ना स्मॉल ऑफ क्वांटिटी पाई यूज हुए सेटा को कौन लिखा जाए ना सेंटीमीटर सीएम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सीएम जीटा को छोटो रहइबो जीटा को सीएम का सी भी छोटो रहइबो एम भी छोटो रहइबो यदि सी टा को कैपिटल कर दो जो सी कैपिटल मींस दैट इज द कूलम कौन सी कैपिटल मींस कूलम ओके सो सी आउ एम जीटा को छोटो रहइबो दरकार गोटे छोटो लिखिबो नाइ पिला लेखंती गोटे छोटो लिखिथंती ए एसआई यूनिट को एमकेएस यूनिट भी कहा जाए एसआई यूनिट को एमकेएस यूनिट भी कहा जाए तो ये सब हम लोग का कौन लेंथ जो इंटर कन्वर्जन अछि देखो कौन अछि मु जानि छी 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू मुटी के अगर प्रीफिक्स रे कहि गलि तो ए गुडा सब सेम होले तमे लिखि पारिबो एंड दैट इज इक्वल टू मु कोन लिखि पारि छी 1 मीटर इज इक्वल टू कोन लिखि पारिबी ना 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस कोन 12 पिकोमीटर एही भलिया मु लिखि पारिबी ए टर्म गुडा को 1 मीटर को मु इन कन्वर्जन करिके लिखि पारिबी कन्वर्जन करिके लिखि पारिबी एट दिटा टर्म टर्म पाखे आसे यूज करिय पई आसे कोन आसे जोंटा के बेसिकली यूज हुए और बहुत जगह यूज हुए कि बहुत किला को जोडा रहता है कोन आसे ना गोटे हला एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम एटा कोन एटा हला एंगस्ट्रम कोन बोधिया को एंगस्ट्रम एंड सी एंगस्ट्रम दा 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आउडे आसे कोन ना फर्मी 1 फर्मी कौन है 1 पर मीटर इक्वल टू 10 टू द माइनस 15 मीटर एदिरा बहुत ही इंपोर्टेंट एदिरा क्वेश्चंस बहुत टाइम रो आसीबो कैलकुलेशंस बेले तुमको जानितबा दरकार काहेकि ना एदिका टर्म तुम बाकरे नाही प्रीफिक्स रे नाही तें पर की एटा गुटिके नोट डाउन करबो तो ये वाला ओदरा ना लेंथ वाला लेंथ पर हम कोन पढुथु हम लेंथ पर पढुथु मास लेंथ पर हम कोन पढुछु ना लेंथ पर हम पढुछु मास तो मास पाई हम के देखि दो बर्तन कोन कोन यूनिट्स कन्वर्जन हेई पारिबो मास पाई देखि दो हमें कोन कोन मास रे यूनिट हम जानछु केजी और जीएस यूनिट है तारो ग्राम तो हमें लिखि फर्स्ट सेकंड वन नंबर सेकंड फंडामेंटल यूनिट लिखलु कोन द मास तो मास पाई हमें कोन लिखि छु ना किलोग्राम और केजी तो 1 किलोग्राम जोडा हमें डायरेक्टली लिखु छु ये 1 किलोग्राम आसीबा पूर्वरु हमें फर्स्ट कोन लिखि आसीबा ग्राम को आसीबा तो ये 1 किलोग्राम को जदी मु न लिखि कि मु फर्स्ट लिखि कि कोन ना देखो यार जो एमकेएस यूनिट आला एमकेएस और एसआई यूनिट सी हला कोन ना 1 केजी और जोडा की हला केजी आ सीजीएस यूनिट कोन सीजीएस यूनिट आला तारो ग्राम एंड हमें जानि छु कोन जानि छु ना 1 ग्राम इज इक्वल टू और 1 केजी इज इक्वल टू हमें कोन जानि छु 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1000 मींस 10 टू द 3 ग्राम या को हम कोन लिखि पारु आ जानि छु कोन ना 1 ग्राम इज इक्वल टू कोन जानि छु हमें 1 ग्राम इज इक्वल टू कोन लिखि पारु हमें 10 कोन लिखि पारु सॉरी 10 ग्राम इज इक्वल टू हमें जानि छु कोन ना 1 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम डीजी हमें ए भलिया लिखि पारु जेंति हमें प्रीफिक्स रे यूज करि छु डेका हेक्टो किलो मेगा जिगा तो सेई भलिया हमें एटा को कन्वर्जन करि के हमें लिखि पारु तो ये है गला मास रे मास पर हम कोन लिखि छी मास पर लिखि छी मु कोन ना टाइम जदि टाइम था हमें कोई बार टाइम कैसे भी हम सिंधी लिखि पारिबा थर्ड वन का हमें जदि देखिबा का पई ना टाइम टाइम में हमें लिखु कोन सेकंड टाइम में कोन लिखु सेकंड जोड़े रिप्रेजेंट करथु एस रे तो टाइम में एस आसी गला सही बढ़िया आसी दिबो जे 1 सेकंड एम एस आई एस एम जी कोन एस आई यूनिट हला एस 1 सेकंड और 1 सेकंड इज इक्वल टू कहते 10 टू द पावर सपोज -9 कोन 10 टू द पावर -9 नैनो सेकंड इट इज लिखली n n पर कोन नैनो n पर नैनो मींस जो हम क्वांटिटीज यूज करछु से प्रीफिक्स टा को जो सातटा फंडामेंटल यूनिट्स अछि से सब यूनिट्स हम यूज कर पारिबा लाइक इज नैनो सेकंड या जति कि तुमको बोलि नैनो ग्राम नैनो मीटर दैट मींस कोन सब केसेस रे एही बढ़िया सेम तुम यूज कर पारिबा तो ये सिंधि है जो माने टाइम टाइम में सिंधि यूनिट आसे तापर करंट टाइम में सिंधि आसे जो मु कहिबी टाइम आसे वाला तापर करंट टाइम में देखिबी मु सिंधि कोन ना करंट टाइम कोन थला ना एम्पियर थला ये थला जदी मु 1 एम्पियर कहिबी तबे कहि पारिबो सर 10 टू द पावर -9 कोन ना 9 एम्पियर और 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर सर 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर तो ये सब तुम्हें लिखी पारिबो और तुम्हें कहि पारिबो भी कहीं ना प्रीफिक्स हो तुमको कह दिया जाए
सिमिलरली ये 4 नंबर कोला 5 नंबर कोला जे कोइबा अवगण थिला 5 नंबर कोन अछि टेंपरेचर अछि कोन अछि टेंपरेचर अछि टेंपरेचर जदि कथा हम पहिन टेंपरेचर को तमे लेखु केल्विन रे कोइबा सर केल्विन को तमे लेखि पारि छथि तो ये केल्विन रे जो टेंपरेचर कथा यूज हो छि या एसआई यूनिट कोन हम कहै छि ना केल्विन आ केल्विन स्केल काहे कि भी यूज हो छि ता कथा भी मु ठीके आगु कहि छि ता कथा मु ठीके आगु कहि छि तमे को ये वाला कोंडर में टेंपरेचर कथा पुनी आसे जो कोन दम बाकरे टेंपरेचर पुनी आसे जीवो लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी तो ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूज करतो कैंडल या भाई वाला या एसआई यूनिट वाला कैंडल ये जो कैंडल तुम कोई भी तार एसआई यूनिट वाला कैंडल सीडी तो या को सीडी यूज कर पेलो एंड लास्ट वन जो ना कि हमको बहुत ही हेल्प करिवो बहुत जगह दरकार पड़िवो नॉट ओनली द इन द केस ऑफ द 11th क्लब बोर्ड बट फॉर द पीजी लेवल स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट बाय भी ये दरकार हो तो ये जो लास्ट यूनिट कौन अछि ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन अछि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटा तिला भी थिला एटा भी आए एटा हला भी टू आए तो ये कौन थिला ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पाई हम यूज करतो कौन ना मोल कौन यूज करतो मोल आ एटा रे तुम बाखरे उडे आसे गोडे कथा आसे इति कि कौन ना मोल कांसेप्ट कौन आसे मोल कांसेप्ट आ ये मोल कांसेप्ट ता इभिन मु मु जति कि जाने छे इभिन बहुत पिला आछन इभिन पोस्ट ग्रेजुएशन करिसला परे से माने जानि नथन से माने क्लारिफाई पाथे ए मोल कांसेप्ट कर मोल कांसेप्ट विषय रे जानि नथते डिफरेंस जानि नथन गोटे मोल आ गोटे मॉलिक्यूल भीतर डिफरेंस कोन बहुत पिला छ तो एटा हेते ता क्षेत्र के प्रॉब्लम नै मु भी बहुत लेट रे जानि मु भी 11th क्लास पढला बेले मु भी ठीक से जानि नथि बहुत परे जानि सेतिर किसी प्रॉब्लम नै बट ए मोर कांसेप्ट को हमें बहुत एलाबोरेट रे पढिबा एंड बहुत डिस्टेंस रे पढिबा एंड जो कांसेप्ट रे मु पढेबि से कांसेप्ट तुमको केबे आ प्रॉब्लम को केबे नै थरे बुझि गेले मन मन लाइफ लॉन्ग पाई से सेट एक रहिजो आ किसी प्रॉब्लम होबो नै।